नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। हाजिर हूं मैं उन खबरों को लेकर जो हैं आपके लिए बेहद खास। मैं हूं अमृता चौरसिया। आइए ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सैटेलाइट तकनीक से खेती और फसलों की सटीक निगरानी, रिमोट एनालिसिस से किसानों को होगा फायदा, खेती से जुड़ी समस्याओं से निपटने में आसानी। मनरेगा से ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में आया सुधार, आर्थिक विकास संस्थान के सर्वे में उत्साहजनक नतीजे, आजीविका मिशन के लिए कई फ्लैगशिप कार्यक्रम। वायु प्रदूषण का दिन ब दिन बढ़ता खतरा, 47% से ज्यादा आबादी के इलाके में नहीं है वायु गुणवत्ता मापक यंत्र, ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। और अलग जीवन शैली के लिए मशहूर झारखंड की उराव जनजाति, सामाजिक व्यवस्था पड़ा है खास पहचान, लैंड बैंक से की जाती है कमजोर परिवारों की मदद। और आइए ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं हफ्ते की बड़ी खबर से। जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों और पशु संपदा पर तो असर पड़ ही रहा है, पानी का संकट भी गहराता जा रहा है। मिट्टी के स्तर में गिरावट, जैव विविधता में कमी, उत्पादन और उत्पादकता में कमी जैसी कई समस्याएं खेती के लिए एक चुनौती बनकर उभरी हैं। 125 अरब की आबादी वाले हमारे देश में आधे से अधिक कामगार खेती से ही अपना जीवन व्यापन करते हैं, लेकिन अब किसानों को इन समस्याओं से निजात दिलाने और खेती की सटीक निगरानी के लिए सैटेलाइट तकनीक वरदान साबित हो सकती है। ये तकनीक फसलों को बचाने और उपज बढ़ाने के लिए बेहद कारगर है। इस तकनीक की मदद से बाढ़, सूखा और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए समय रहते कदम उठाने में खासी मदद मिलेगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। खेती जिस पर आज भी देश की 60% से ज्यादा आबादी निर्भर है। खाद्य सुरक्षा के लिए हम देश में पैदा होने वाले अनाज पर निर्भर हैं। लेकिन खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि खेती से जुड़े मामलों पर सही समय पर सटीक जानकारी मिले। भारत दुनिया के उन देशों की सूची में शुमार है जो खेती और उससे जुड़ी मौसमी जानकारी के लिए सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीरों से जमीन की सही स्थिति का आकलन और मौसम की सटीक भविष्यवाणी संभव होती है। इसका इस्तेमाल खेती के लिए किया जा रहा है। मॉनसून के मौसम में रेडार से मिलने वाली तस्वीरें विशेष रूप से उपयोगी होती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सैटेलाइट डेटा के इस्तेमाल से खेती से जुड़ी समस्याओं का काफी हद तक समाधान निकाला जा सकता है। इसरोज ऑल मेजर प्रोग्राम्स, द मेजर सैटेलाइट प्रोग्राम्स, द एग्रीकल्चर इज अ बिग ड्राइव, एग्रीकल्चर इज बीन द बिग ड्राइवर। Most of the satellites have been done with keeping agriculture in picture. So agriculture is a very dynamic requirement. You need large amount of data, you need multi-temporal data. And our job was to show how those satellite data can be applied in agriculture. दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली IRS-1C और IRS-1D को विश्व के सर्वश्रेष्ठ असैनिक दूर संवेदी उपग्रहों में गिना जाता है। इनकी विशेष तकनीक के जरिए समन्वित सतत विकास मिशन जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इससे स्थानीय स्तर पर योजना बनाकर भू जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। इससे मिलने वाले आंकड़ों का इस्तेमाल फसलों का अनुमान, भूमिगत जल स्रोतों का पता लगाने, वन सर्वेक्षण, अनुत्पादक भूमि के मानचित्रण, बर्फ पिघलने का अनुमान, सिंचाई, सूखा क्षेत्र प्रबंधन, खनिजों का पता लगाने, संभावित मत्स्य क्षेत्र का पता लगाने, शहरी योजना बनाने और पर्यावरण पर निगाह रखने जैसे कई कामों में किया जा रहा है। मिट्टी की नमी और फसलों के विकास का आकलन करने में रिमोट एनालिसिस के इस्तेमाल से लागत में कमी आती है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। सरकार खेती में उपग्रह और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर खासा जोर दे रही है। आने वाले दिनों में उपग्रह तकनीक का उपयोग भूमि संसाधन मैपिंग, कीटनाशक प्रबंधन, मिट्टी स्वास्थ्य मैपिंग, फसल उपज आकलन के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं के आकलन के लिए भी किया जाएगा।
सरकार अब खेती के क्षेत्र में भी जियो टैगिंग तकनीक अपनाने पर विचार कर रही है। इसके जरिए जमीन और फसलों की बेहतर निगरानी के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से हजारों हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली जाएंगी और उन्हें जियो टैग किया जाएगा। जियो टैगिंग के लिए कृषि, बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन और डेयरी क्षेत्र में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं, बीज खेतों, बाजार गज की दूरी, दूध संग्रह केंद्र और कोल्ड स्टोरेज के लिए काम शुरू होगा। इसरो की सहायता से जियो मनरेगा के तहत इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसके काफी अच्छे परिणाम सामने आए। We had a lot of programs which is started with called crop acreage and production estimation, which is also supported by Ministry of Agriculture. Under which we try to give use satellite data for area and production estimation of crops, which later on grew into a big program called FASAL, forecasting agriculture output using space, agrometeorology and land-based observations. 1988 में इसरो के सहयोग से कृषि आंकड़ों में सुधार की शुरुआत हुई थी। 2012 में दिल्ली में महानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र स्थापित किया गया। ये केंद्र कृषि मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका काम फसलों की मॉनिटरिंग, सूखे का आकलन सहित कृषि क्षेत्र की गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं जुटाना है। इसकी मदद से फसल कटाई के पैटर्न के साथ साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन संभव हुआ है। फिलहाल अंतरिक्ष, कृषि मौसम विज्ञान और भू आधारित आंकड़ों का उपयोग करके चावल, मूंगफली और ज्वार, मक्का, पटसन, कपास, गन्ना, सरसों और गेहूं सहित कुल 11 फसलों का आकलन किया जा रहा है। 2050 तक जब भारत की जनसंख्या 1.6 बिलियन हो जाएगी, तब हमें सभी लोगों को भोजन सुरक्षा के लिए अपने अनाज का उत्पादन दोगुना करना होगा। अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अनाज उत्पादन और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज से करीब 11 साल पहले देश के ग्रामीण इलाकों में गरीबों को रोजगार देने के लिए शुरू की गई योजना मनरेगा के कई बेहतर नतीजे आए हैं। हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये माना है कि मनरेगा ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। विश्व बैंक ने भी 2015 में मनरेगा को दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम घोषित किया था। एक अनुमान के मुताबिक इस योजना ने अपनी शुरुआती 5-6 सालों में देश से 32% गरीबी दूर करने में मदद की। पिछले सालों में मनरेगा से ग्रामीणों और निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में खासा सुधार हुआ है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मनरेगा यानी दुनिया के सबसे बड़े रोजगार कार्यक्रम ने कम वक्त में देश की ग्रामीण आबादी की तस्वीर बदल दी है। सरकार गांव में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार सृजन के लिए मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए कई फ्लैगशिप कार्यक्रम चला रही है। साल 2018-19 के बजट में सरकार ने मनरेगा के लिए 55,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मनरेगा से रोजगार देने और जीवन स्तर में सुधार के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। आर्थिक विकास संस्थान की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि मनरेगा से दिहाड़ी मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। 29 राज्यों के 30 जिलों में हुए चुनिंदा परिवारों के सर्वे में पाया गया कि इनकी आमदनी में लगभग 11%, अनाज उत्पादन में 11.5% और सब्जी की उत्पादकता में 32.3% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ जलस्तर में हुई बढ़ोतरी से 78% परिवारों को लाभ हुआ है। छोटे किसानों को चारे की उपलब्धता में बढ़ोतरी का फायदा मिला। मनरेगा के 6.6 करोड़ से अधिक कामगारों के बैंक खाते आधार से जुड़ गए हैं। 97% दिहाड़ी का भुगतान अब इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट प्रणाली से हो रहा है। इससे पारदर्शी और समय पर भुगतान आसान हो गया है। एक ऐसी संस्था, उसको जाके देखते हैं, जमीन पे देखते हैं, 2 सालों में देखते हैं जो स्टडी का था, तो ये सारी जो आलोचनाएं जो आ रही थी कि नरेगा केवल एक खड्डा खोद के उस खड्डे को भरने का काम है, वैसा नहीं है। स्पष्ट दिखता है कि ये 10%, 12%, 20%
आय बढ़ा रहा है, बहुत बड़ी बात है। और यदि किसी की खेती में इतनी आय बढ़ जाए, खास तौर पर गरीब लोगों की, तो एक बहुत बड़ा फर्क है। मनरेगा के काम की बेहतर निगरानी के लिए इसरो की मदद से मनरेगा जियो टैगिंग का काम जारी है। इसरो के वैज्ञानिकों ने जियो मनरेगा के तहत इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से हजारों हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेनी शुरू कर दी हैं। मनरेगा कार्यक्रम के तहत पिछले 3 सालों में सबसे अधिक धनराशि खर्च की गई है। 2015-16 और 2016-17 में 235 करोड़ श्रमिक दिवस का काम किया गया है, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। नरेगा तो एक जान बचाने वाली चीज है ग्रामीण इलाकों के लिए। कोई अकाल पड़े या कोई आर्थिक मंदी हो तो नरेगा तो एकमात्र तरीका है जिसमें उनको रोजगार मिल सके। और पैसा जो आता है वो ग्रामीण भारत के बाजार में जाता है, तो हर प्रकार से ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो लोगों को इज्जत भी देता है, पैसे भी देता है, ग्रामीण भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर भी देता है, काम भी देता है। कम से कम भारत सरकार के प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यदि सामाजिक अंकेक्षण जैसे चीज़ हो जहाँ लोग खुद उसका ऑडिट करें तो चोरी भी रुक सकती है। जाहिर है ग्रामीण भारत के विकास के लिए मनरेगा का अहम योगदान रहा है। 2 फरवरी 2006 को मनरेगा अस्तित्व में आई। 2009-10 में संशोधन कर इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून कर दिया गया। इस दौर में जब पूरी दुनिया में कहते हैं जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारा पूरा पर्यावरण गड़बड़ा जाता है, नरेगा में मशीनें मना है, पेट्रोल का यूज़ मना है, तो नरेगा लोगों की ताकत पर बनाता है, पानी का रीजेनरेशन करता है, पेड़ लगवाता है, खेती को ठीक करता है, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। तो ये आज के दौर में एक बहुत ज़रूरी कार्यक्रम है जिसमें आज जो पैसा दें उससे और बढ़ा के देना चाहिए, उसमें ज़रूर नौकरशाही के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि वो ठीक से चलाए। मनरेगा आम योजनाओं से अलग है और इसमें व्यापक जन भागीदारी शामिल है। मनरेगा से पहले मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत दी जाती थी, जिसे 14 जनवरी 2011 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया, जिससे मजदूरी 17-30% तक बढ़ गई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर मनरेगा को लागू करता है। मनरेगा के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि इसके दायरे में आने वालों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार दे या फिर न देने पर भत्ते के रूप में जीवन यापन के लिए न्यूनतम वित्तीय साधन उपलब्ध कराए। इसमें 33% काम महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया, जो महिलाओं को सक्षम बनाने के लक्ष्य में भी सहायक है। फावड़ों के सहारे कच्ची सड़क बनाते इन लोगों की 10 साल में नई पहचान बनी है। मनरेगा को लेकर कई सवाल भी उठे हैं, सवाल आज भी बरकरार हैं, लेकिन इसी दौरान ये भी माना गया कि देश की बड़ी आबादी के लिहाज से ये योजना बेहद कारगर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वायु प्रदूषण हमारी सांसों में जहर घोल रहा है, स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर संसद से सड़क तक चिंता जाहिर की जा रही है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा। वायु प्रदूषण पर काम कर रही संस्था ग्रीन पीस इंडिया ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में वायु प्रदूषण को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य पेश किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर जल्द ही कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति भयावह हो जाएगी। जहरीली होती आबोहवा दम घोट रही है, वायु प्रदूषण अपने चरम पर है, प्रदूषण के आंकड़े भयावह हैं। यह स्थिति तब है जब देश के कई इलाकों में प्रदूषण को मापने की कोई मशीन नहीं लगी है। पर्यावरण से जुड़े एनजीओ ग्रीन पीस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की 47% से ज्यादा आबादी उन इलाकों में रह रही है जहाँ वायु की गुणवत्ता बेहद खराब है। इन इलाकों में वायु की गुणवत्ता को मापने के लिए कोई मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही। ग्रीन पीस के मुताबिक देश के सिर्फ 16% लोगों को वायु गुणवत्ता का रियल टाइम आंकड़ा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, देश के 300 शहरों में वायु गुणवत्ता के आंकड़े मैनुअल रूप से एकत्र किए जाते हैं और वहां भी ये आंकड़े आम लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं है।
कि जो पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग का जो नेटवर्क है वो पहली बात तो पूरे भारत में फैला नहीं हुआ है। रिपोर्ट ने हमारी रिपोर्ट में बोला गया है कि तो ये दर्शाता है कि हमारा डेटा ही हमारे पास नहीं है, हम जानते ही नहीं है कि प्रदूषण किस मात्रा में हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, तो उसको हम समझ कैसे पाएंगे। तो सबसे पहली ज़रूरत तो यही है कि हम मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं। रिपोर्ट में देश की 280 शहरों में पार्टिकुलेट मैटर 10 के औसत स्तर का विश्लेषण किया गया है। इन शहरों में 63 करोड़ यानी कि करीब 53% आबादी रहती है। इन 63 करोड़ में से 55 करोड़ लोग तो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां PM10 का स्तर राष्ट्रीय मानक 100 से कहीं ज्यादा है। वहीं 18 करोड़ लोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से तय PM2.5 की सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से दोगुने ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में रहते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 10 के औसत स्तर के आधार पर रैंकिंग को देखें तो साल 2016 में दिल्ली 290 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ पहले स्थान पर है। दिल्ली में PM10 का औसत स्तर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक से 5 गुना अधिक है। फरीदाबाद 272, भिवानी 262 और पटना 261 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ दिल्ली से थोड़ा ही पीछे हैं। इनमें से एक भी शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन की वायु गुणवत्ता मानक PM2.5 के 20 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर औसत को पूरा नहीं करते। उत्तर प्रदेश के कई शहर भी मानक से ज्यादा प्रदूषित हैं। देश के 80% शहर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर औसत को भी पूरा नहीं करते। देश में सिर्फ 20% शहर ही राष्ट्रीय और CPCB के मानकों पर खरा उतरते हैं। अब देखिए, 2 साल पहले तक जो वायु प्रदूषण पर जागरूकता थी वो शायद वहाँ नहीं थी जहाँ आज है, और उसको वहाँ तक लाने में 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रही हैं, और उसमें सबसे पहला है कि डेटा। जब कोई नंबर आता है डेटा में तो लोगों के लिए वो साइंटिफिक बन जाता है, वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और लोग शायद उसको समझना नहीं चाहते या समझ नहीं पाते, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर उस डेटा को लोगों तक एक सिंपल भाषा में इस तरीके से मुहैया कराया जाए कि अगर 60 से ज़्यादा होता तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो लोग समझेंगे इसको। भारत में आज भी ऐसी कोई नीति नहीं है जिसको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक नेशनल नीति या राज्य स्तर पर कोई ऐसी नीति हो जिसमें ये कहा गया हो कि हम अपने राज्य में या अपने देश में अपने शहर में प्रदूषण को 20% कम करेंगे। वायु प्रदूषण का सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ रहा है। देश में 5 साल से कम उम्र के 4.70 करोड़ बच्चे ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां हवा में पार्टिकुलेट मैटर 10 का स्तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तय मानक से कहीं अधिक है। इसमें 1.70 करोड़ बच्चे मानक से दोगुने PM10 स्तर वाले इलाकों में रह रहे हैं। सबसे ज्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली में वायु प्रदूषण से प्रभावित हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि कोल बेल्ट में पॉल्यूशन जांच मशीन लगाई ही नहीं गई है। इस समय देश भर के 303 शहरों में केवल 690 स्टेशन ऐसे हैं जहां वायु की जांच होती है। रिपोर्ट में गोवा सहित नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में कोल बेल्ट थर्मल पावर वाले इलाकों का जिक्र नहीं किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यसभा में हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम बनाने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम को व्यापक, व्यवस्थागत और तय समय सीमा के भीतर लागू करके ही सफल बनाया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रमों में जनता भी सरकार के साथ मिलकर अपनी अहम भागीदारी निभा सकती है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आदिवासी समुदायों को जानने समझने की हमारी इस विशेष श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चलेंगे झारखंड के बेड़ो ब्लॉक के अलग अलग गांवों में और दिखाएंगे उराव जनजाति की खास सामाजिक व्यवस्था जिसे पड़ाह कहते हैं। झारखंड के बेड़ो ब्लॉक के अलग अलग गांव से गीत गाते हुए हजारों आदिवासी पड़ाह की बैठक में हिस्सा लेने बारीडीह गांव आ रहे हैं। 22 गांवों के प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचते हैं। हर पड़ाह की पहचान उसका झंडा है। पड़ाह उरांव समाज की पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत ही इस समाज की प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियां चलती हैं। जे खान
दुनिया ने कोई जा थाना कोर्ट कचहरी नहीं रहे सेखन हमार पुरखा मान इके गांव ने कोई विवाद होत रहे तो यहाँ नहीं फैसला होत रहे तो पांच गांव बैठ के फैसला कर लें वो पांच पढ़ा बनलक। पढ़ा व्यवस्था में समुदाय के कमजोर आबादी की मदद का इंतजाम भी रहा है। इस व्यवस्था के तहत एक लैंड बैंक होता है जिसमें हर गांव में कुछ एकड़ जमीन होती है जो पढ़ा यानी गांव की सांझी संपत्ति होती है। इस जमीन से पैदा होने वाली फसल का इस्तेमाल जरूरतमंद परिवारों के लिए किया जाता है। हमरे मान के पहले कहीं दुनिया ने बैंक नहीं रहे हमरे कर पुरखा मन कर रखती बैंक नहीं रहे चलती बैंक रहे कि हर गांव ने गहरी जमीन 10 एकड़ से 20 एकड़ तक हर गांव ने हमरे कर गहरी जमीन रहे उकरे से जितना गांव घर ने किसी को तकलीफ तो शादी ब्याह ने दुख सुख ने कोई चीज़ ने तकलीफ होत रहे तो हमरे मन जितना मन धान चाहत रहे उतना धान देते रहे शादी ब्याह ने कर से कर जितना मन का खर्चा लगाते रहे आधा खर्चा देते रहे। उरांव जनजाति की पढ़ा व्यवस्था में समुदाय के किसी व्यक्ति या परिवार से जुड़े मसले को निपटाने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था मोटे तौर पर आधुनिक न्याय व्यवस्था जैसी ही है लेकिन यह व्यवस्था सस्ती है और कम समय में पूरी होती है। पढ़ा व्यवस्था में उरांव आदिवासी हर 3 साल में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह चुनाव बिना अपवाद सर्वसम्मति से ही होता है। इस पद्धति के तहत महतो प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालता है जबकि पहान आदिवासियों का आध्यात्मिक गुरु होता है। इसके अलावा कोटवार एक तरह से सुरक्षा संबंधी मामलों की जिम्मेदारी लेता है। आज हमारे इस उरांव क्षेत्र में ग्राम सभा या हेडमैन ऑफ द विलेज हम अगर किसी को बोले तो हमारा महत्व होता है। अर्थात एसी राय का किताब अगर हम पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि पहान गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। अर्थात एक आध्यात्मिक गुरु है और दूसरा प्रशासनिक गुरु है। उरांव आदिवासियों की एक और अहम सामाजिक संस्था है घुमकुड़िया। इस संस्था को उरांव समाज की सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था की प्राथमिक इकाई भी कहा जा सकता है। आदिवासी गांव में अखड़ा जिसे आप चौपाल कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर गांव के सभी आदिवासी सामाजिक मसलों और उत्सवों के लिए जमा होते हैं। अखड़ा के पास ही एक घर होता है जिसे घुमकुड़िया कहा जाता है। उरांव समाज के लिए घुमकुड़िया वह जगह है जहां उरांव नवयुवक और नवयुवतियां अपने समाज परंपराओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में सीखते हैं। परंपरा के तहत नवयुवक और नवयुवतियां समाज के बुजुर्गों की देखरेख में घुमकुड़िया में रहते हैं। घुमकुड़िया की गतिविधियों को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। लेकिन आदिवासियों की यह सामाजिक प्रशासनिक संस्था आज कमजोर पड़ती नजर आती है। संविधान अनुसूचित इलाकों में सामान्य कानून लागू करने की इजाजत नहीं देता है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ। नमस्कार।